All right then, first up, environmentalist and social activist Sonam Wangchuk. He continues to sit on a hunger strike near the main gate of the Ladakh Bhavan in the national capital, Delhi. Now, Wangchuk and his supporters, they began a fast at Ladakh Bhavan in the national capital after being denied permission to protest at Jantar Mantar. That's where they're currently protesting. There's a hunger strike that's on. Along with Wangchuk are some other 100-plus activists, is what reports are telling us. Now, Sonam Wangchuk had said that the Home Ministry had assured protesters of a meeting, but nothing has happened so far yet. सरकार के हाथ में हैं, उन्हें हमने पहले से कहा है, उन्होंने अश्योरेंस दिया है गृह मंत्रालय ने कि हमारी मुलाकात देश के नेताओं से होगी और लद्दाख के जो बातचीत चल रहे हैं वो अगले 2-3 हफ्तों में शुरू करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी तक नहीं आया, हालांकि आश्वासन दिए गए थे। तो जब तक इसका कोई हल हो, क्योंकि हम लोग लेह से यहाँ तक पैदल आए हैं 30 दिन चल कर, तो हम कम से कम एक आश्वासन लेके जाना चाहते हैं अपने नेताओं से। तो देश का आखिरी नागरिक सबसे दूर के सीमा से चल के राजधानी में आया है, सबसे बड़े लोकतंत्र में, तो इतना तो बनता है कि हम अपने नेताओं से मिलके जाएं। उनके पास समय जब तक हो हम यहीं रुकेंगे अनशन पर। Well, my colleague Rajneesh joins us live from the gates of Ladakh Bhavan in the national capital to help us understand what's really happening over there at this point in time. Over to you, Rajneesh. अभी की क्या स्थिति है? भूख हड़ताल क्या जारी रहेगी? इस बैठक का जो आश्वासन दिया था गृह मंत्री ने और गृह मंत्रालय ने, उस मीटिंग का क्या होगा? आगे इस इम्पास को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, जब 30 सितंबर को सोनम वांगचुक अपने तमाम साथियों के साथ दिल्ली प्रवेश कर रहे थे, तब सिंघू बॉर्डर पर उनको हिरासत में लिया गया था, और 2 तारीख को यानी 2 दिन के बाद जब वो पुलिस की हिरासत से बाहर आए थे, तब उनको ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी मुलाकात गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कराई जाएगी और जो भी उनके कंसर्न हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उस पर बातचीत की जाएगी। और इस आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि वो लौट जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, अब सोनम वांगचुक को लगता है कि अभी तक मुलाकात हुई नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है, और जिन कंसर्न और डिमांड्स को लेकर वो 30-32 दिन की पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे, उसका कुछ हुआ नहीं। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक एक बार फिर से अपने उसी अनशन और धरना प्रदर्शन जो उन्होंने लद्दाख में शुरू किया था, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लद्दाख भवन से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं। सोनम वांगचुक आपको बिल्कुल मेरे बाएं तरफ दिखाई देंगे, ब्लैक टी शर्ट में वो बैठे हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। सुबह में भी उन्होंने बात किया था, और उनका यही कहना है कि जब तक वो बड़े नेताओं से, चाहे वो गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या भारत के राष्ट्रपति हों, उनसे नहीं मिलते हैं, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। और उनके तमाम सहयोगी भी यहाँ पर लद्दाख भवन के गेट पर बैठे हुए हैं। डिमांड उनकी यही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके अलावा जो संविधान की 6th अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, उसको लद्दाख में इम्पोज किया जाए, और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन बाकी स्टेट्स के लिए होते हैं, कैडर होते हैं, उस तरह की व्यवस्था लद्दाख के लोगों के लिए भी होनी चाहिए। जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको लद्दाख कैडर भी मिलना चाहिए, और उनके लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो। तो ये तमाम मांग लेकर वो आए थे, अभी तक उनकी मुलाकात हुई नहीं है। ये मुलाकात कब होगी इसके बारे में इनको आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। ज़रूर ये कहा गया था कि कुछ दिनों में ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सरकार की तरफ से इनको नहीं मिली है, और यही वजह है कि ये तमाम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल ये चल रहा है, जंतर मंतर पर ये डिमांड, ये मांग कर रहे थे कि वहाँ उनको बैठने दिया जाए, वहाँ पर वो। रजनीश, आई वाज एग्जैक्टली गोना कम टू दैट, पुलिस ने क्या रीजंस दिए कि जंतर मंतर पर उनका ये प्रोटेस्ट नहीं हो पाया? अब इस गतिरोध को आगे कैसे, गतिरोध कैसे टूटेगा, मामला आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये भूख हड़ताल जंतर मंतर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दिया है, और परमिशन नहीं देने की
पहली वजह यही बताई जा रही है कि प्रोटेस्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी सोनम वांगचुक की तरफ से दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई थी। जंतर मंतर पर तभी प्रदर्शन की इजाज़त मिलती है जब उसके ख़त्म होने का समय प्रदर्शनकारी बताते हैं, यहाँ पर ये नहीं बताया गया था और सीधे तौर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की बात की जा रही थी। और आने वाले समय में संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये परमिशन फिलहाल इनको डिनाई किया गया है, ग्रांट नहीं किया गया है। और यही वजह है कि ये तमाम लोग लद्दाख भवन में बैठे हुए हैं। जो सोनम वांगचुक के जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने बेशक 2 तारीख की रात में उन्हें छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, लेकिन अभी भी वो एक तरह से यहाँ पर डिटेंशन की स्थिति में ही हैं, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और बाहर से मीडिया के लोग अगर लद्दाख भवन के भीतर जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोक दे रही है। तो एक तरह से ये अघोषित डिटेंशन में हैं अभी भी और पुलिस इनको बाहर आने जाने से रोक रही है, मीडिया कर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दे रही है। और इनकी जो बातें हैं, इनके डिमांड्स हैं या जो इनके कंसर्न हैं, जिन चिंताओं को लेकर सोनम वांगचुक इन तमाम लोगों के साथ लद्दाख से दिल्ली पहुंचे थे, उस पर जो बात ये करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस से भी इनका एक तरह से अभी एक टकराव की स्थिति बनी हुई है और सरकार के तमाम जो सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे भी ये लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल ये बातचीत नहीं हो पा रही है और ये कारण है कि ये अभी इस वक्त यहाँ पर धरना और इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। All right, Rajneesh Ranjan bringing us the latest details. Meanwhile, ladies and gentlemen, our colleague Shalini Bajpayee, she had an exclusive conversation with the climate activist Sonam Wangchuk that is there on the hunger strike. We're going to play that conversation out for you, albeit after a quick short break, because people have traveled for about 30, 32 odd days. They wanted to make a beeline towards Rajghat. That couldn't happen. They were picked up from Singhu border, which is when the detentions took place, after which they were released. They made their way to the Rajghat on the 2nd of October. But their demands for a sixth schedule status for Ladakh, autonomous governance, security for their own culture and people, that wasn't given. And this meeting that was fixed or was assured with the Home Minister hasn't really taken shape, which is why the indefinite hunger strike has begun. We've got an exclusive conversation with Sonam Wangchuk, albeit playing that on the other side of the short break. Keep watching News 9 Live. तो सोनम जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग यहाँ पर आज अनशन कर रहे हैं, कितने दिनों का ये अनशन है, कब तक इस तरह से बैठेंगे? ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है, मेरा अपना हमेशा से एक हफ्ता पहले रहा, फिर 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ता, उस हिसाब से 4 हफ्ता या डेथ, विच एवर अर्लियर। तो इसका करने का मकसद ये है, हमने ये अनशन शुरू किया था 30 सितंबर को ही जब हमें डिटेन किया गया, मगर फिर हमने ये अनशन तोड़ा था राजघाट पर जब हमें ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि हम अपने देश के शीर्ष नेताओं से मिल पाएंगे, क्योंकि हम अगर इतने महीने से चल के आए हैं 1000 किलोमीटर, तो हम नेताओं से मिल के उनको जो उनके पुराने वादे हैं वो याद दिलाकर वापस जाना चाहते थे। वो उसका उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि एक डेट आपको दी जाएगी 2 दिन के अंदर, तो वो भी नहीं मिला। अब वो हमें वापस जाने को कह रहे हैं लद्दाख, तो हमने ये फैसला किया कि जब तक हमें ये नहीं होता है हम अनशन पर ही बैठेंगे, इसे रिज्यूम करेंगे। दिल्ली पुलिस से आप अनुमति मांग रहे थे वहाँ जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने की? जी, जब अनशन का फैसला। Well, we're cutting this particular reaction because I'm being told that Rajneesh, he's speaking with Sonam Wangchuk. Listen in. We have been waiting for the last 5 years. At Rajghat, we were given full assurance by the Ministry of Home Affairs that we will have a meeting, date at least, even if not the meeting immediately, but a date within the 2 days, next 2 days. But unfortunately, by 4th evening, we didn't even get a date. So we had to resume the anshan that we began on the day we were detained, on 30th September when we were detained. All of us went on anshan, and the condition we broke the anshan was that we will be taken to Bapu's Samadhi at Rajghat, Gandhi's Samadhi, which they were not planning to. They were planning to throw us back on the border. So on those assurances, we agreed to break the fast and waited, but then there was nothing coming. So we had to start the anshan again. So therefore, we didn't want to break any rules. So we applied, therefore,
for a place for the Anshan to begin. And the obvious place was Jantar Mantar. Every democratic country has a place where people can express their vent their grievances. So we naturally asked permission for Jantar Mantar, but we were denied that after a long wait of some 24 hours or so. We were said, no, we can't. And the grounds given were very strange because they said it is 10 to 5 and you haven't mentioned the timing. Well, after signing that it will be 10 to 5, you could only apply. So that was already expressed. And that it was on short notice, well, this was because of the development. And even when we applied 10 days before, we were kept in hanging, in silence, when we had applied for 3rd of October. So we weren't given any place to do the Anshan legitimately. And we asked, where is a place that, where you can do, if not Jantar Mantar? We didn't get any answers. So we decided to sit on fast where we were. After the detention, I was brought here for a semi-detention. So I couldn't go out anyway. I decided to stay on fast on salt and water. Right here, most of our pilgrims or padyatris, foot marchers, went back, but 25 of them were heroic enough to say that after having walked for 1 month, we'll go hungry for however long it takes to put it across to our government that we have come this far. We need to meet one of the leaders to renew what was going in talks between leaders in Ladakh and the government here. No, let's continue with English. Now that it is English. Sir, what about the fixed schedule? Your demand is the sixth. The demands from the government have been the same as for the last 4 or 5 years. The 4-point agenda of Apex Body of Leh and KDA of Kargil. In fact, these are the organizations that spearhead this movement. I am just an environmentalist to support them. So are these volunteers who have come walking only to support our leaders in APEX and KDA. The demands are fourfold. One is restoration of democracy, like in any part of India. Ladakh has no assembly to send elected representatives, so that's demanded. Second is also basically democracy in sixth schedule, which gives democratic forum like an assembly at district level to indigenous tribal people in the country. And this will bring democratic rights to make laws to the people in the mountains at their footstep. Without that, it's now ruled by one lieutenant governor, and that's dangerous for a ecology that is so sensitive, so different, that anybody not from there will take a long time to even understand, and they come for 3-year parachute and go back in the third year after spending the 2 years in learning about the place. So mistakes can be made and a lot of damage can be done to the sensitive ecology. Well, that was the man himself saying that the demands, the 4-point agenda remains the same that has been for the last 4 years. Essentially, the apex body for Leh and Kargil area, autonomous governance and protecting the cultural heritage of Ladakhi people. That is the center point of their demand. We're going to slip into a quick commercial break here. On the other side, the latest developments vis-a-vis the Arjigar rape and murder case. Don't go anywhere.